पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए सर्विसेज का ना होना. इसके लिए हमने सबसे पहले जो पायनियर सर्विस डेवलप की डेफ टॉक, जिसपे हम 9 मिलियन डेफ कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, एंड इस डिजिटल एंड ऑनलाइन जिसपे हम डेफ कम्युनिटी को अपने क्वालिटी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के साथ वीडियो कॉलिंग सर्विसेज के थ्रू कनेक्ट करते हैं और वो इजीली इंटीग्रेट होते हैं सोसाइटी के साथ, ताकि हमारे इंटरप्रेटर्स जो वो बात कहना चाहते हैं हमारे इंटरप्रेटर्स वो बोल के उनको बताते हैं. इसके लिए हम जो है 24/7 अवेलेबल है. इट्स द मोस्ट अफोर्डेबल सर्विस इन पाकिस्तान फॉर द डेफ कम्युनिटी. I came up with the idea of Deaf Talk because when I was in Beacon Heights, Pakistan, in fifth class, I didn't have an interpreter. My parents didn't like the idea, so we decided to move to New York, and that way I had an interpreter. Because of that, I was able to avail many facilities, including quality education, health, and employment opportunities. हमारे ऑपरेशंस जो हैं वो लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हमने स्टार्ट किए हुए हैं. और हम हमारा जो बिज़नेस मॉडल है उसमें हम 500 रुपीज़ जो हैं वो अपने कस्टमर से चार्ज करते हैं और उसको 24/7 जो हमारी सर्विसेज हैं उसके लिए अवेलेबल होती हैं. इस टाइम हमारे पास 45 स्किल साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स हैं और जस्ट इन 8 मंथ्स हमारे पास 800 यूज़र हैं जो हमारी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं. कह रही हैं कि ये हॉस्पिटल जाएँ, यूनिवर्सिटी जाएँ या किसी होटल में जाएँ किसी ऑर्डर के लिए, तो इनको बात समझाने में या कम्युनिकेशन में कोई इश्यूज आएँ तो ये हमें डेफ टॉक के पेज पे, स्काइप पे, सोशल मीडिया के थ्रू कॉल करती हैं, वीडियो कॉल, और उस पर हमें अपना प्रॉब्लम बताती हैं और हम इनको इंटरप्रेट करते हैं, इनको हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन के लिए. So as we're targeting 9 million people living with deafness in Pakistan, so how ITC is going to help us by increasing the number of sign language interpreters in metropolitan cities. Secondly, we aim to increase our number of subscribers, and also so that we become one of the national organizations in Pakistan, which we can help the bridge the gap of deaf community.